आरएसएस प्रमुख पर जातिगत टिप्पणी करने वाले बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन का बीएचयू के छात्रों ने पुतला फूंका। वाराणसी में बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन के एक बयान पर विरोध थम नहीं रहा है। बीएचयू के छात्रों ने आरोप लगाया कि आनंद मोहन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत पर जातिगत टिप्पणी की गई है। बीएचयू में हुए आनंद मोहन के भाषण का एक छोटा क्लिप भी वायरल हो रहा है। अब इस पूरे मामले में छात्रों ने छात्र संघ भवन के पास विश्वविद्यालय प्रशासन का पुतला दहन किया और आयोजकों व शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की। छात्र नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि शिक्षा के आंगन में इस तरह अपराधियों का महिमा मंडन अस्वीकार्य है। जिस तरह संघ और सरसंघ चालक पर टिप्पणी की गई वो दर्शाता है कि इस कार्यक्रम के द्वारा लोगों की भावनाओं को जानबूझकर आहत किया गया है। इसी बयान पर छात्रों ने नाराजगी जताई है। पुतला दहन में उत्कर्ष द्विवेदी, शुभम तिवारी, आलोक, दिनेश अधोक्षज, पतंजलि आदि छात्र शामिल रहे। किस मामले में आज आप लोगों ने पुतला फूंका और किसका पुतला फूंका? जी, जैसा कि आपको पता है कि इस विश्वविद्यालय में काफी दिनों से ये चर्चाएं चल रही है, वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है और मोहन भागवत की टिप्पणी की जा रही है। तो उसमें सम्मिलित ऐसे लोग जिन लोगों ने पूर्ण योजित तरीके से देश समाज को तोड़ने की साजिश करने के लिए, द्वेष फैलाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजित किया है, उसमें तमाम शिक्षक भी सम्मिलित हैं, तमाम छात्र भी सम्मिलित हैं जिन लोगों ने राष्ट्रवाद का चोला उड़ा रखा है, जबकि देशद्रोह का काम ये लोग करते हैं। तो उन लोगों के विरोध में विश्वविद्यालय प्रशासन समेत जो उसमें बोला था कोई अपराधी था उसका भी पुतला हम लोगों ने फूंका है। और इनमें जो लोग सम्मिलित थे, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजित कराया, उनकी मनसा जो जिनकी गड़बड़ थी उनका हम लोगों ने पुतला फूंका है, विरोध प्रदर्शन किया है और आगे हम लोग आंदोलन करेंगे, मुकदमा भी करने का काम करेंगे हम लोग दूसरों पे। देखिए, पिछले दिनों 12 सितंबर को बीएचयू के कृषि विज्ञान संस्थान के एक हॉल में बिहार के एक सजायाफ्ता अपराधी आनंद मोहन, जो कि पूर्व में सांसद भी रहा है, उसको बीएचयू में कुछ छात्रों ने और कुछ अध्यापकों ने सुनियोजित ढंग से बुलाया। ये छात्र और ये अध्यापक विश्वविद्यालय परिसर का माहौल खराब करना चाहते हैं। वह बाहुबली अपराधी आता है कैंपस में और एक जातिगत टिप्पणी करता है, और एक ही नहीं, वह एक पूरी संगठन की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पूरी कार्यशैली पर वह सवाल उठाता है और वहाँ उपस्थित सभी छात्र समुदाय, वहाँ उपस्थित जो भी उपस्थित थे मंच पर सभी लोग, ये सब लोग इस तरह के आयोजन के लिए दोषी हैं। कैंपस में, परिसर में, एक विश्वविद्यालय एकेडमिक इंस्टीट्यूट में इस तरह के आयोजन होने ही नहीं चाहिए। इन सभी इस तरह के आयोजन का हम लोगों का विरोध था, इसलिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे।